गौ माता भी नहीं बचा सकती इंडियंस को, यानी सवाल ही नहीं, भगवान विष्णु अगर खुद नीचे आ जाए वो भी नहीं बचा सकते। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने वो दिन याद होगा जब साउथ अफ्रीका और इंडिया का फाइनल मैच था और उसमें पाकिस्तान के पत्रकार, जो मैं पहले भी एक वीडियो शेयर कर चुका हूं, उसके अंदर कह रहे थे कि अब इंडिया पहले, सबसे पहले ये प्लान बना रहे थे इंडिया को हराने का, कि साउथ अफ्रीका को पहले बैटिंग कर लेनी चाहिए, इनको बाद में बैटिंग करवाएं, उसके बाद में ये कह रहे थे कि रोहित शर्मा को जल्द आउट करा ले, पूरी प्लानिंग, वो प्लानिंग इस वीडियो के अंदर मैं आपको आगे आने वाले में दिखा रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों ने देखा था कि उन्होंने बोला कि भगवान विष्णु भी इंडिया की टीम को आ जाए तो नहीं बचा सकते और गौ माता भी इनको नहीं बचा सकता। इस तरह से हमारे भगवान का भी उन्होंने अनादर किया था और आपने देखा जब 30 बॉल पे 30 रन उनको चाहिए थे, उसके बाद किस तरह से विष्णु भगवान और गौ माता इंडिया के पक्ष में उतर के आई और आपने देखा इंडिया ने किस तरह से हारा हुआ मैच वापिस जीता जब इन्होंने विष्णु भगवान को चैलेंज किया। तो यही वीडियो आगे जब शुरुआत के अंदर ये कैसे, जब मैच शुरू नहीं हुआ था उस टाइम इनके कितने सपने थे कि साउथ अफ्रीका इंडिया को हरा देगा, 60% चांस साउथ अफ्रीका के जीतने के, और ये बड़े खुश हो रहे थे और प्लानिंग बना रहे थे कि इंडिया को आज साउथ अफ्रीका हरा देगा। तो यही वीडियो है और इसको आप देखिए और इंजॉय करिए। साउथ अफ्रीका अगर पहले बारी कर गया, टॉस बड़ा वाइटल होगा, पहले बैटिंग करता हुआ, मेरी नजर में वो 60% मैच जीत जाएगा अगर पहले बैटिंग कर ली। इंडिया के ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा, वो बार बार उन्हें अहमदाबाद की याद दिला रहा होगा। सबसे पहले इंडिया को बॉलिंग करवाए, मतलब अच्छा। खुद बैटिंग करे, टॉस जीते खुद बैटिंग करे, इंडिया को सेकंड बॉलिंग मत दो। मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका अगर इंडिया जीता है, चांसेस मुझे कम नजर आ रहे हैं। कि क्या ऐसा करना है कि रोहित को रोक सकें आप, क्योंकि हमने देखा सेमीफाइनल में इतनी मुश्किल विकेट थी लेकिन तब भी शुरू में वो टिके रहे और बाद में उन्होंने रन स्कोर किए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो उन्होंने आते ही चार्ज करना शुरू कर दिया था। वो मुझे कम नजर आता है कि साउथ अफ्रीका उसको मौका देगा। आप 2-3 ओवर जरा सेंसिबल खेल के उस मैच को थोड़ा सा स्लो करो, ठीक है ना। वो जो चढ़े हुए इंडियंस आपके ऊपर चढ़े होंगे, मैं चाहता हूँ साउथ अफ्रीका जीते क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम बहुत मुश्किल से आई है। दोनों टीमों में अगर आप कंपैरिजन करें ना तो आप साउथ अफ्रीका को आसान टीम नहीं होगी। इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस, एक ओवर में एक बैटर भी बदल सकता है, जैसे अभी हेनरिक्स की बात की या क्लासन है नीचे से मिलर ने आके अगर 2-3 छक्के 2-3 चौके लगा दिए एक साथ ही तो पूरा गेम बदल सकता है। या जैसे हम देख रहे हैं कि हैट्रिक्स बहुत हुई, क्रिस जॉर्डन ने तो 4 विकेटें भी ले ली। तो देखिए ये T20 की यही खूबी है, एक ओवर में आप देखिए मैच चेंज हो जाता है और 15 रन होते हैं तो स्कोर कार्ड कहाँ से कहाँ चला जाता है। बैट्समैन जो रन पूरे टूर्नामेंट में, जैसे बासुदेव ने बताया, नहीं रन किए हुए, विराट कोहली ने नेवर नो, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर हो वो कर दे स्कोर, फॉर्म में वापस आ जाए। आप देखिए साउथ अफ्रीका का मिड ऑर्डर इतना फॉर्म में नहीं है, 20-25-30 कर रहे हैं, डेविड मिलर की जैसे बात की है, ये प्लेयर्स तो है ना T20 के स्पेशलिस्ट। और जहाँ तक इंडिया की बात है और साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की बात है, ये सारी बॉलिंग अभी IPL में खेल रहे थे, सिमिलर कंडीशन है और सबको पता है कि ये बड़े वहाँ पे इनकी इकोनॉमी अच्छी नहीं थी, बड़ी हाई थी, ठीक ठाक मार पड़ रही थी इन बॉलरों को। तो मेरे ख्याल से इंडिया के पास इसलिए ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, एज है कि वो इन बॉलिंग को खेलते हुए आ रहे हैं, डोमिनेट करते हुए आ रहे हैं, एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो मेरे ख्याल से यही एक प्रॉब्लम है, लेकिन ये है कि साउथ अफ्रीका अगर पहले बारी कर गया, टॉस बड़ा वाइटल होगा, पहले बैटिंग करता हुआ, मेरी नज़र में वो 60% मैच जीत जाएगा अगर पहले बैटिंग कर ली, बड़ा वाइटल। शायद साहब इससे फ़र्क पड़ेगा कि इन बॉलर्स को बड़ा डोमिनेट किया या कंडीशन बिल्कुल मुख्तलिफ हैं तो ये एडवांटेज नहीं मिलेगा। कंडीशन थोड़ी बेहतर है फास्ट बॉलिंग के हाफ में। अगर आप इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मैच को याद करें तो बॉल में कैरी अच्छा था, इवन बाउंस था और स्कॉटलैंड के बैट्समैनों ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। जो पहले बैटिंग करे वो एक अच्छा इम्पोजिंग टोटल डाल दे, एक 200 प्लस टोटल हुआ है, बाकी 120 से 180 190 की रेंज में स्कोर हुए हैं। जो टीम पहले बैटिंग करेगा, अच्छा स्कोर डालेगी मैच पे तो वो उसको फ़ायदा होगा। और जिस तरह द्राविड ने कहा, माकरम ने कहा कि ये वर्ल्ड कप है, जाहिर है फाइनल है, दोनों टीमों में जज्बे की कोई वो नहीं है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड इंडिया के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा। वो बार बार उन्हें अहमदाबाद की याद दिला रहा होगा कि हम अहमदाबाद में फाइनल में आके फेल हो गए। 1.4 अरब लोगों की एक्सपेक्टेशंस का दबाव जो होता है ना वो बहुत ह्यूज होता है। साउथ अफ्रीका पर इतना दबाव नहीं होगा जितना इंडिया की टीम पर होगा। बासित भाई अग्री करेंगे इस बात से कि वो 100% आवाम का प्रेशर तो होता है ना, और स्पेशली जब आप 6 फाइनल हारे हुए हों। पहली चीज अभी कामरान अकमल साहब ने जो बात बोली ना कि सेम कंडीशन है IPL वाली, साहब नहीं अब तो भाई अच्छा साहब
तो कंफ्यूज ना करें 25 करोड़ आवाम को। तो आईपीएल की कंडीशन और यहाँ की कंडीशन जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ पे तो 285 नॉर्मल बात थी, 6 ओवर में 125 टोटल 125 नहीं हो रहा, थोड़ा सा बॉलिंग ज्यादा डोमिनेट। इंडिया और साउथ अफ्रीका ने आपस में अभी तक 26 मैचेस खेले हैं, हेड टू हेड आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है, 14 इंडिया जीता है, 11 साउथ अफ्रीका जीता है, लगभग सेम स्कोर जो है वो इनके मोरलेस रहे हैं। बैटिंग फर्स्ट करते हुए इंडिया 10 बार जीता है, यहां पर एक एज हासिल है इंडिया को टॉस का इनके मुकाबले में। देखें चाहे साउथ अफ्रीका भी टॉस जीते, सबसे पहले इंडिया को बॉलिंग करवाए, मतलब खुद बैटिंग करे, टॉस जीते खुद बैटिंग करें, इंडिया को सेकंड बॉलिंग मत दो, आप इंडिया की बॉलिंग के अगेंस्ट चेज मत करने जाओ। लेकिन जब शर्मा टॉस जीतेगा वो 100% बैटिंग करेगा, उसकी पूरी कोशिश होगी कि मैं देखे, यही कह रहे हैं 10 बार जीते हैं वो। देखिए आपके पास जिस किस्म की भी बॉलिंग है, अच्छी है, हल्की है, नॉर्मल है, जो भी है, लेकिन जब आप नॉकआउट मैच में आप बैटिंग करते हैं ना पहले, उसका एक तो प्रेशर नहीं होता, सही है। अभी अगर मिसाल के तौर पर ये इंग्लैंड की टीम इंडिया के गेस्ट पहले बैटिंग कर रही होती ना, उसमें सॉल्ट भी आउट हो जाता, बटलर भी आउट, एक आध ओवर कोई प्रेशर नहीं है जी, 20 ओवर में इतना करना है, बिल्कुल। मैंने आपको क्या बोला था कि आप 2-3 ओवर जरा सेंसिबल खेल के उस मैच को थोड़ा सा स्लो करो, ठीक है ना, वो जो चढ़े हुए इंडियंस आपके ऊपर चढ़े होंगे। तो ये होता है अगर साउथ अफ्रीका बैटिंग करती शुरू में 2-3 आउट भी हो जाए तो उनके पास एक टाइम होता है कि थोड़ा स्लो कर दो, विकेट्स इन हैंड रखो, आखिरी 4-5-6 ओवर में अटैक करने की कोशिश करते हैं, तो वो जो रन जो हमने शुरू में विकेट्स की वजह से रोके हुए थे वो हो सकता है कवर हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप इंडिया को आपने बैटिंग करवा दी पहले, वो मुझे नहीं लगता फिर आप फाइनल जीत पाएंगे। अच्छा चलें फाइनल नहीं जीत पाएंगे लगता है, लेकिन मेरी टीम इंडियन है, आपकी टीम इंडिया है। मैच दिल से मैं मतलब कहने का मकसद मैं चाहता हूं ना कल के लिए, मैं चाहता हूं साउथ अफ्रीका जीते क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम बहुत मुश्किल से आई है, लेकिन मेरी टीम इंडिया। दोनों टीमों में अगर आप कंपैरिजन करें ना तो आप साउथ अफ्रीका को आसान टीम नहीं होगी, उनकी अगर आप बॉलिंग और बैटिंग देखें तो कंपैरिजन करें इनके साथ तो दोनों की बैलेंस टीम है, इनकी स्पिन भी उतनी अच्छी है जितनी उनकी उनकी है। तो अब ये फिर उधर ही आऊँगा, अब विकेट देखते हैं कैसी बनती है। मुझे लगता है कि इस मैच में विकेट जो है वो बड़ी बैटिंग किस्म की विकेट होगी, ये मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या होगा जी। मेरा अपना एक जाती आपको ICC से लेटर आएगा ये मुझे मेरा अपना जाती ख्याल है। देखिए इंजी मेरा ओपिनियन है ना ये, तो अब ICC मेरे ओपिनियन को तो नहीं रोक सकती कि ये तो मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ ना, मैं को ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मैंने विकेट बनानी है जाके, जो मुझे नज़र आता है मैं वो बता रहा हूँ कि अब जो है ना ये विकेट इनको बड़ी सोच समझ के पिच जो है ना वो तैयार करनी पड़ेगी कि किस किस्म की तैयार करें, क्योंकि साइडें दोनों के पास बहुत बैलेंस है। अब जहाँ इंडिया को एडवांटेज था कि वो स्पिन विकेट बना के वो दूसरी टीम फंसती थी, यहाँ इनके पास भी दोनों स्पिनर ऐसे उनके पास भी पत्ते और इनकी मैं आपको बताऊँ इनकी फास्ट बॉलिंग इंडिया से ज़्यादा बेहतर मुझे लगती है। इनके जो फास्ट बॉलर हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक हैं इनके स्पिनर से, आप इनके अटैक अगर देखें तो ये अब मेरा ख्याल कल मैच बहुत अच्छा होगा। और मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका अगर इंडिया जीता है, चांसेस मुझे कम नज़र आ रहे हैं, अगर इंडिया जीता है तो बहुत टफ टाइम देना देगी ये साउथ, ठीक है। लेकिन साउथ अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चाहूंगी हम बात करें कि क्या ऐसा करना है कि रोहित को रोक सकें आप, क्योंकि हमने देखा सेमीफाइनल में इतनी मुश्किल विकेट थी लेकिन तब भी शुरू में वो टिके रहे और बाद में उन्होंने रन स्कोर किए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो उन्होंने आते ही चार्ज करना शुरू कर दिया था। वही कह दें जो पहले कहा था, कह दें कुछ कहा था सलीम भाई ने, हमने मजाक में कहा था जी कि उसको बॉलिंग ही ना करवाएं। मैं आपको बताऊं रोहित को अगर आप देखें ना तो वो चांस देता आपको शुरू में, वो हमेशा आप देखो वो आके अटैक करता है और उसमें बड़ा चांसेस होते हैं कि आपको विकेट मिले अगर आप ठीक लाइन पे बॉल करेंगे ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। रोहित के लिए वैसे लाइन क्या होनी चाहिए हम देखते हैं, जो देखें जो आप खिंची हुई लाइन पे बॉल करते हैं आप, उस दिन जो उसने चार छक्के मारे वो एक ही लाइन पे आगे बॉल कर रहा था, उसके मतलब की बॉलिंग की है उसने, इसलिए मार पड़ी। साउथ अफ्रीकन आप देखें वो कोई आके उस्तादियाँ नहीं लगाते, वो एक लाइन पे बॉल करते हैं, उन्होंने कभी इधर उधर नहीं जाते, वो अपनी लाइन पे बॉल करते हैं खिंची हुई,
तो मेरा ख्याल है उसमें जैसे कल कैच छूटा उसका पहला ओवर में, अगर कल कैच हो जाता रोहित का तो शायद सिनेरियो डिफरेंट होता, अगर उन्होंने शुरू में उसके कैच वैच अगर वो उस पकड़ लिया, क्योंकि चांस देता है, तो मेरा ख्याल फिर उसके बहुत चांसेस हैं। अदरवाइज उसकी स्ट्रेंथ पे अगर इन्होंने बॉलिंग की तो वो मुझे कम नज़र आता है कि साउथ अफ्रीका उसको मौका देगा कि वो उसकी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग करे, क्योंकि उन्होंने भी ऐसी नहीं है कि वो बड़ी टीम है, वो उनके पास भी बहुत सारे थिंक टैंक होंगे, उन्होंने उसको प्रॉपर लीड किया होगा और उसके उसके मुताबिक जो